कि बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज 14 तारीख होगी, ना ही तो माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी के तरफ से, ना ही प्रबंध निदेशक मोदी जी से हमारे साथ कोई बात हुई। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जो 15/5/2023 का जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमारी हमने रात्रि सेवा जो हम जाएंगे तो एडवांस लेकर जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि एडवांस कैसे लेकर जाएंगे, जैसे कोई ऑफिसर एडवांस लेकर जाता है और जब वो एडवांस जो है उसका बिल पास होता है, उस तरीके से हमें 3900 रुपया एक महीने का एडवांस दिया जाए और महीने के बाद जब भी हमारा 3900 बनता है, 3600 बनता है, उसको काट के हम पैसे जमा कराएंगे, अगला एडवांस लेकर जाएंगे। अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी, ड्राइवर और कंडक्टर रात्रि सेवा को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, हम रात्रि सेवा पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ कि इसमें रहते जागे ये ना सोचे ये कल का है। हम जब तक हमारे को एडवांस के रूप में रात्रि सेवा में जाने से पहले एडवांस ना दिया गया, हम रात्रि सेवा को बिल्कुल बंद करेंगे। रात 12 बजे के बाद, जैसे सवेरे सुबह हमारे 4 बजे का दिल्ली का रूट है तो दिल्ली का रूट हम रोकेंगे, जिस भी रूट पे नाइट लगती है उस रूट को रोकेंगे, जिस रूट पे नाइट नहीं लगती है गाड़ी हैंड बैग अपने स्थान पर अपने डिपो में पहुंचती है, उस गाड़ी को हम नहीं रोकेंगे। बता देना था कम से कम 2500 लोकल और लॉन्ग रूट जो नाइटें हमारी चलती हैं, लोकल हमारी नाइटें जो है वो गामा में जाती हैं, नाइट वहाँ रुकती है, तो 2500 रूट जो हमारे प्रभावित होंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा ये ही नहीं ओवरटाइम नाइट का ही इशू नहीं है, हम सरकार से और प्रबंधन से सैलरी का साइल 50,000 और डिपार्टमेंटों को मिल गया वो हमें दिया जाए। एरियर हमारे तरह तरह के पड़े हुए हैं, जो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे को नॉलेज के तौर पे 198 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार के पास कर्मचारियों का पड़ा हुआ है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि 198 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता है, सीधे सीधे HRTC के कर्मचारियों के, ड्राइवर और कंडक्टरों के ड्यूज रोक के HRTC को चलाया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। HRTC के कर्मचारी मेहनत करते हैं, दिन रात सेवा देते हैं, उनके ड्यूज को दिया जाए और ये तंगी का घाटे का कोई हमें रोना ना रोया जाए। अगर यही पोजीशन अगर सरकार और प्रबंधन आज 5 बजे से पहले हमें मीटिंग को टाइम नहीं देती है तो कल सुबह से HRTC की रात्रि सेवाएं जो हैं वो एडवांस लेकर चलेंगी, अन्यथा बंद कर दी जाएगी।